औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐसा है कि हम फेडरल से इमरान ख़ान साहब जो हमारे चेयरमैन हैं पार्टी के और वज़ीर आज़म हैं और बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने उनकी हिमायत की है और हमने सूबे में इनकी हिमायत की है, तो हमारा सारा सिस्टम जो है फेडरल से है। और फिर हमारे पार्लिमानी लीडर सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब, उन्होंने भी इस बारे में कोई मीटिंग नहीं बुलाई है ना हमसे कोई मशावरत हुई है। ज़ाहिर है जब तक मशावरत नहीं होगी तो कोई ऐसी बात हम नहीं कर सकते। फ़िलहाल हम जाम साहब के साथ ही हैं, हमारे अरकान जो है अगर किसी ने कोई नाराज़गी या वहाँ पे गया हुआ है तो वो ना पार्लिमानी लीडर को पता है ना इमरान ख़ान साहब को पता है, और इंशाल्लाह हम जाम साहब के साना बेखाना खड़े रहेंगे। अल्लाह उन्होंने मेरी पार्टी का पूछा तो मैंने अपनी पार्टी का जवाब दिया। अब रात के अंधेरे में तो भी पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। नहीं, मैं ये कहूँगा कि उनका पार्टी का अपना इंटरनल मसला है, उस बारे में ना मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन है ना मैं बोल सकता हूँ, मगर मैं अपनी पार्टी का पाबंद हूँ। हम फिलहाल जो खान साहब की तरफ से जो डायरेक्शन है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ ही रहना है, तो हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ ही। अच्छा मुबीन साहब, तब्दीली की सूरत में अगर तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाए तो उसके बाद क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी तहरीक इंसाफ की जानिब से? अभी तक तो हमें, मैंने बताया कि अभी तक कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें मेरे ख्याल कुछ एक हफ़्ता और लगेगा, और एक हफ़्ते के अंदर हो सकता है। आज सुनने में आया कि कल या आज या कल फेडरल से भी हमारी वो आ रहे हैं फेडरल मिनिस्टर्स, और उनसे भी रब्ता होगा, बाकायदा मशावरत होगी और पार्लिमानी लीडर। और अभी भी मैं आपको बताना चाहूँ कि सरदार साहब के घर जाम साहब जा रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है इंशाल्लाह, हमें तो नज़र नहीं आ रहा, तो आगे का मुझे पता नहीं। फिलहाल कोई इख्तलाफात नहीं है, इस टाइम तो कोई ऐसी मशावरत नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं हुई है हमारी आपस में। हमें तो फिलहाल फेडरल की तरफ से आज भी फ़ोन आया था कि आपने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ ही रहना है।